हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप करता हूँ आप सब लोग मेरी तरह ठीक होंगे। तो भाई सॉरी यार अगेन आप लोगों को, 6 दिन के गैप में आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो भाई अभी बस इंटरनल से 1-2 दिन में और खत्म हो जाएंगे, फिर आप लोगों के लिए पक्का दोबारा से वही अपने शेड्यूल में 3 दिन बाद वीडियो लेके आया करूंगा गाइस, पक्का। तो भाई आज मैं आप लोगों को परफेक्ट जो लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग होती है ना, जो हमारा चैनल है, वो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगा गाइस, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो भी आज मैं करूंगा ना पूरे दिन, वो आप लोगों को दिखाऊंगा। आज बहुत सारी चीजें करेंगे, ठीक है गाइस। तो मैं एक बार जल्दी से नहा धोके तैयार होने के बाद आप लोगों से अब मिलता हूँ सीधा। तो भाई नहा धोके मैं तैयार हो चुका हूँ, ठीक है भाई। आज ब्लू शर्ट पहनी है और ब्लू जीन्स पहनी है और नए शूज पहने, एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो भाई न्यू शूज पहने आज, कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। और ऊपर से खुशी नहीं छुप रही, पता नहीं क्या हो गया इसको, देखो अभी भी वो चिल्ला रही है ऊपर से, ठीक है गाइस। तो एक चीज भाई, हाँ मैं भाई अभी लेटा हुआ था घर पे, तो मेरे पापा के एक काफी अच्छे दोस्त है मोहन अंकल जी, तो उनका फोन आया। वो ना आज बाल कैसे रुके, हाँ तो भाई वो आज नई गाड़ी परचेज कर रहे हैं, वो डिलीवरी ले रहे हैं आज अपनी गाड़ी की, महिंद्रा स्कॉर्पियो खरीद रहे हैं वो लोग, 9 सीटर। तो उनका फोन आया कि भाई तू भी साथ में चल, तो भाई मैं भी जा रहा हूँ वहां पे और आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है भाई। तो चलते हैं एक बार, घर से निकलते हैं, मोहन अंकल का फोन आ चुका है, ठीक है। तो अब एक बार घर से निकलता हूँ। छोटी पर्ची भाई, छोटी पर्ची ले। तो भाई मैं भी जल्दी पहुँच गया था थोड़ा सा, अभी मैं हूँ लक्ष्मी डेयरी पे, मेरे घर के पास में ही है स्वीट्स की शॉप। तो भाई अंकल का फ़ोन आ गया था, तो वो बोल रहे थे कि 1 किलो रसगुल्ले ले ले, वहाँ पे भी भाई जो भी स्टाफ वगैरह होगा उनका ही मुँह मीठा कराएंगे, गाड़ी ले रहे हैं भाई। तो ठीक है, अब एक बार रसगुल्ले पैक करा लेता हूँ और उसके बाद हम अंकल जी भी आ गए भाई, ठीक है। एक बार जल्दी से पैक करवा के सीधा गाड़ी में बैठता हूँ और उसके बाद आप लोगों को सीधा शोरूम में मिलता हूँ। तो भाई शोरूम में हम लोग पहुँच चुके थे, ठीक है भाई। अभी गाड़ी तैयार हो रही है, वॉशिंग के लिए गई हुई है गाड़ी, हम लोगों ने देख ली, वो प्री इंस्पेक्शन करते हैं ना, तो भाई गाड़ी बिल्कुल टनाटन है, ठीक है, वॉशिंग के लिए गई हुई है। और उसके आने के बाद आप लोग को दिखाऊंगा जब डिलीवरी लेंगे, ठीक है भाई। तो आप एक बार अपना एक बार इंटीरियर देखो, कौन सी गाड़ी में बैठो, ठीक है, पीछे से, और कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सी गाड़ी है, ठीक है। एक बार आपको इसका डैशबोर्ड भी दिखाता हूँ, देखो भाई, ठीक है भाई, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कौन सी गाड़ी है भाई, ठीक है। और भाई जबरदस्त गाड़ी बना रखी है महिंद्रा ने, बहुत अच्छी गाड़ी बनाई है। और साथ में वो भी खड़ी है XUV700, वो भाई हमारे साथ नमन बैठा हुआ है, हेलो बोल दे नमन सब, भाई सारे भाई, ठीक है भाई, नमस्ते नमस्ते। ये भाई सब्सक्राइब करो लाइक करो। ये है भाई, वो मैं आप लोगों को बता रहा था ना, मोहन अंकल जी, उनका बड़ा लड़का है और छोटे वाला था, वो शर्मा के भाग गया। चलो भाई आप लोग भी बता देना, आप लोग को दिखाई देता हूँ, ये थी भाई वो महिंद्रा थार, ठीक है। और शायद हमारी गाड़ी आ गई है बाहर, एक बार गाड़ी चेक कर लेते दोबारा, आ गई भाई गाड़ी पूरी वॉश होने के बाद, ठीक है। A few moments later. तो भाई 4 बजे आए थे यहाँ पे शोरूम में और 6 बजा दिए इन्होंने, अभी तक इनकी गाड़ी नहीं तैयार हुई। तो अब एक दो ऐसी सीरीज भी एड ऑन करा दी थी इनने बच्चों ने, तो इसलिए टाइम लग गया। और भाई मेरा तो मन ही नहीं कर रहा यहाँ से उतरने का, मैं तो दोबारा यहाँ पे आया हूँ व्लॉग करने के लिए इस गाड़ी के अंदर। भाई जबरदस्त गाड़ी है, मतलब A1 जिसे कहते हैं ना, वो है भाई महिंद्रा थार, तो थार ही है सच में, जबरदस्त गाड़ी है। अब तो लगभग गाड़ी तैयार ही होगी, बस यहाँ से डिलीवरी लेने के बाद यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद शाम को एक शादी में भी जाना है तो वहाँ पे भी चलेंगे, ठीक है। तो भाई गाड़ी की डिलीवरी ले ली है, ठीक है, सारा काम हो गया, बस अब यहाँ से निकल रहे हैं, अब घर पे जाके गाड़ी की पूजा वगैरह होगी और शाम को शादी में जाना, मैंने आपको बताया था। तो अंकल तो लेके चलेंगे स्कॉर्पियो और मैं लेके जाऊँगा क्रेटा। One eternity later. तो भाई डिलीवरी गाड़ी की लेने के बाद मैं यहाँ पे आ गया था सीधा अभी घर पे अपने, पूरा रोड पे जाम लगा हुआ तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया। बाकी भाई गाड़ी अच्छी थी अंकल की, ठीक है। और अंकल कैमरा शाये थे, मैं बोल रहा था अंकल आप भी कुछ बोलोगे, तो अंकल बोले नहीं भाई, तो अभी थोड़े से कैमरा शाये। तो भाई अब जाना है हम लोगों को शादी में, तो अब पापा कहीं बाहर गए हुए, पापा आने वाले हैं, उसके बाद फिर हम लोग तैयार वगैरह हो गए। खैर मैं तो तैयार ही हूँ आज, ठीक है, शर्ट पहन रखी है, जीन्स पहन रखी है, शूज़ पहन रखे, और क्या तैयार होना भाई, ठीक है। शादी में जाएंगे और उसके बाद फिर और अभी भाई मैं जब आ रहा था ना रास्ते में, तो पता है एक इंसिडेंट हुआ यार, वो मैं ना आप लोग के साथ इसके बाद शेयर करूंगा। वो मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई है, मैं ना गाड़ी से आ रहा था अपनी,
तो मेरे को ना रास्ते में कुछ छोटे बच्चे मिले एक दो, और मैं बताऊंगा नहीं, मतलब आप ही लोग देख लेना अब इसके बाद जो वीडियो डालूंगा मैं, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना कि कैसी लगी आपको वीडियो। और मतलब भाई मेरे को तो दिल से बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा वो बच्चों की बातें सुन के। और ठीक है भाई, भैया शाउट आउट दे देना, मैंने आपका वेडिंग वाला ब्लॉग देखा था मैंने। कौन सा देखा था? वेडिंग वाला। तुम्हें कैसे पता चला भाई? अच्छा, उसने बताया मेरे को। अच्छा, हमने देखा, अच्छा बनाते हो लोग। ठीक है भाई, अगली शाउट आउट दे देना। ओके, अगली वीडियो में तुम दोनों आओगे। ठीक है, डन है भाई, थैंक यू। ओके। और भाई एक चीज और, अभी मेरे फ्रेंड का फोन आया था, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो वो मेरे को बोल रहा था KGF देखने चलेंगे मंडे को कॉलेज क्लासेस खत्म होने के बाद। तो भाई KGF चैप्टर 2 आप लोगों को पता बहुत ज़्यादा ट्रेंडी मूवी चल रही है आजकल। उसने भाई मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी कमाई कर ली है एक ही दो दिन में। ठीक है, तो वो मूवी देखने चलेंगे हम लोग मंडे को। आज है फ्राइडे, तो हम लोग मंडे को जाएंगे कॉलेज के बाद। ठीक है, और आप लोगों के लिए वहाँ पे भी ब्लॉग बनाऊंगा अपने कॉलेज मेट्स के साथ, कॉलेज वाले दोस्तों के साथ। ठीक है, मंडे को चलेंगे वहाँ पे। उससे पहले भाई एक चीज़ बताऊँ आपको, भाई मैंने KGF 1 भी नहीं देखी, उससे पहले मेरे को KGF 1 देखनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर KGF 2 देखने चलेंगे। ठीक है भाई, तो अब सीधा आप लोगों से शादी में मिलता हूँ। ये थी विशाल गिल की कहानी और हमारी ही मुँह जुबानी। ठीक है गाइस, अब मिलते सीधा शादी में। A few moments later. तो भाई अभी शादी में आया था, ये रहा अपना पुनीत भाई, खाना एंजॉय कर रहा है। ठीक है, हेलो कर रहा है आप सब लोगों को। और भाई एक ना मेरे कहने से ये कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखना, गुलाब जामुन और आइसक्रीम एक साथ खा के देखना भाई, नेक्स्ट लेवल, एक नंबर लगती है। ठीक है, आप लोग भी ट्राई करके देखना। ठीक है, और बाकी मैं आप लोगों से अब खाने के बाद मिलता हूँ। ऐसे सच आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ है तो एन यार यहाँ पे। ठीक है, तो अब सीधा आप लोगों से घर पे मिलता हूँ। ओके बाय 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 कर रहा है। तो भाई शादी से हम लोग वापस आ गए थे, तो अभी जल्दी से एक बार कपड़े चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलता हूँ। और जब तक मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ, आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। जितने लोग वीडियो देखते हैं ना, उसमें से सिर्फ 40% लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, और 60% लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को। तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो जब तक मैं कपड़े चेंज करके आ रहा हूँ, और वीडियोज़ को लाइक कर दो। जाओ जल्दी जल्दी जाओ, गए नहीं ना, जल्दी जाओ, मैं भी कपड़े चेंज करके आता हूँ। जाओ भाई, कितनी बार बोलूं, जल्दी जाओ और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके आओ। तो भाई मैं कपड़े वगैरह चेंज करके अब नीचे आ गया हूँ अपने बेड पे सोने के लिए गाइस। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि मैंने जो आज मतलब पूरा अब मेरे डे में जो जो हुआ, मेरे दिन में मैंने जो जो किया पूरे दिन में आप लोग को दिखाया, आपको कैसा लगा। तो भाई अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को मतलब वीडियो को लाइक कर देना, और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में डाल देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है गाइस, सो टिल देन कीप वॉचिंग, बाय 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 बाय।